गुड मॉर्निंग एवरी वन. कॉन्टिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ डेरिवेटिव है दैट इज वारंट्स. वारंट्स क्या होते हैं? वारंट्स इशू करती है कंपनीज जब आप शेयर के साथ जो एक प्रॉमिसी नोट फॉर्म में आप एक डॉक्यूमेंट लगाते हो, सर्टिफिकेट नोट लगाते हो, जहाँ पर जो कंपनी है आपको प्रॉमिस करती है कि आप एक स्पेसिफाइड प्राइस पर जो प्री डिटरमाइंड है फ्यूचर डेट में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आप खरीद सकते हैं, वो एक वारंट कहते हैं उसे. जो वारंट्स हैं वो कंपनीज इशू करती हैं, उनका लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड होता है. वारंट्स डेरिवेटिव सिक्योरिटी होते हैं जब जो इशूइंग कंपनी है ऑप्शन राइट आपको उसमें दे रही है कि आप उसकी सिक्योरिटी स्पेसिफाइड प्राइस पर विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम आप खरीद सकते हैं. ये जो सिक्योरिटीज हैं यूजुअली इक्विटी शेयर्स होते हैं. जो वारंट्स हैं जो आपने उसमें राइट दिया है उस राइट को आप खरीद और बेच सकते हैं. तो जो उनकी वैल्यू है वो अप और डाउन सेम उसी तरीके से होती है जैसे आपका जो प्राइस है, जो अंडरलाइंग एसेट है शेयर की वो ऊपर और नीचे जाएगा. जो कंपनीज हैं वो इशू करके वारंट्स मनी रेज कर सकती है. जो स्टॉक वारंट है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को कि वो कंपनी के शेयर्स ओन कर सकता है जिसके जो शेयर प्राइजेस हैं हाई है. और जो मार्केट में वो प्राइजेस हाई हैं लेकिन वारंट में आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप लेस प्राइस पर उसे बाय कर सकते हैं. जो वारंट्स हैं नॉर्मली जो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं. आप इन्हें डी अटैच करके इन्हें सेपरेटली सोल्ड कर सकते हैं. देन जो जनरली मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 3 to 15 ईयर्स का होता है. जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है वारंट्स में विद द मोटिव ऑफ स्पेकुलेशन एंड लिवरेजिंग. जो वारंट्स हैं और ऑप्शन है सिमिलर हैं कई तरीके से लेकिन दोनों में डिफरेंस है. जो डिफरेंस है वो क्या है? वारंट्स के जो इश्यूअर हैं वो कंपनीज होती हैं जबकि जो ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन एक्सचेंज या जो इन्वेस्टर है वो इशू करता है. जो वारंट्स हैं उनका जो मेजॉरिटी पीरियड है वो लॉन्गर होता है जबकि जो ऑप्शंस हैं उनका जो पीरियड है वो शॉर्टर होता है, फ्यू वीक से फ्यू मंथ्स तक का होता है. वारंट्स अगर इशू होते हैं तो वो डाइल्यूशन करते हैं. डाइल्यूशन मतलब कि जो ऑनरशिप है कंपनी की वो चेंज हो जाएगी जबकि जो ऑप्शंस हैं वो डाइल्यूट नहीं करते हैं. फंडिंग की बात करें तो वारंट्स इशू करके कंपनी को फंड्स मिलते हैं जबकि ऑप्शंस जब इशू होते हैं तो ये किसी भी तरीके का फंड्स कंपनी को प्रोवाइड नहीं करवाते हैं. जो वारंट्स हैं वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जो ऑप्शंस हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं. नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ डेरिवेटिव है दैट इज कन्वर्टेबल. कन्वर्टेबल का मतलब कि जब आप सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो, एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी को आप अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी में अगर कन्वर्ट करते हो तो उसे कन्वर्टेबल कहा जाता है. ये मोस्टली एसोसिएटेड होती है बॉन्ड से, प्रेफरेंस शेयर से, जहाँ पे जो भी उनके होल्डर्स हैं उन्हें आप राइट देते हो कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में एट एन एग्रीड प्राइस. जो कन्वर्जन वैल्यू, प्राइस, प्रीमियम, रेशो है वो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं इस टाइप के स्वैप्स के. तो जो बॉन्ड्स और प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो फुली और पार्शली कन्वर्टेड कन्वर्टेबल हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में. और जो ये टाइम प्राइस रेशो है वो प्रीफिक्स होती है एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ कन्वर्टेबल. और कई बार जो पार्ट है आप फुल ना करके हाफ पार्ट को भी डिसाइड कर सकते हो तो वो पार्शल कन्वर्टेबल हो जाते हैं. देन जो मेजर डिफरेंस है कन्वर्टेबल और वारंट्स में, जो टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो जो कन्वर्टेबल्स हैं उनका कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं होता जबकि जो वारंट्स हैं उनका फिक्स टाइम फ्रेम होता है. जो कन्वर्टेबल्स हैं उन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स को बट वारंट्स को आप कन्वर्ट नहीं करते हो शेयर्स में. देन जो कन्वर्टेबल्स हैं वो इनसेपरेबल हैं जबकि वारंट्स को आप डिटैच कर सकते हो. जो कन्वर्टेबल्स हैं वो वैल्यूएबल होते हैं अपनी खुद की ओन राइट्स में जबकि जो वारंट्स हैं ओनली अ पोर्शन ऑफ वारंट वैल्यू जो है वो डेराइव्ड होती है ऑप्शन फीचर से. जो मेजर बेनिफिट है कन्वर्टेबल्स का वो ये कि वो
इन्वेस्टर्स को कि उन्हें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है जब तक वो कन्वर्ट नहीं करते, और आफ्टर कन्वर्शन शेयर्स को सेल करके हायर प्राइसेस पे इन द मार्केट वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा आता है काइंड ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज क्रेडिट डेरिवेटिव। ये भी प्राइवेटली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो यूजर्स हैं इन कॉन्ट्रैक्ट के, वो मैनेज करते हैं अपना एक्सपोजर क्रेडिट रिस्क पे। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? सपोज जो पर्सन है, जो कंपनी है, उसने अगर क्रेडिट लिया है तो उसका क्रेडिट रिस्क क्या है? इन्वेस्टर के लिए क्रेडिट रिस्क क्या है कि कंपनी उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट है वो वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उस चीज़ को हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो जो वैल्यू है क्रेडिट डेरिवेटिव की, वो डिटरमाइंड होती है डिफॉल्ट रिस्क से ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। जो डिफरेंट टाइप्स हैं क्रेडिट रिस्क के, वो क्या हैं? टोटल रिटर्न स्वैप्स। टोटल रिटर्न स्वैप वो टाइप ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि वो रिसीव कर सकता है टोटल फाइनेंशियल रिटर्न किसी भी एसेट पे बिना उसको ओन किए। नेक्स्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिफॉल्ट रिस्क सिक्योरिटीज का, लोन्स का दूसरों को। क्रेडिट लिंक्ड नोट में डेरिवेटिव है जिसमें जो कूपन और प्राइस होता है नोट का, उसे आप लिंक कर देते हो टू द परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट। देन क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस जो है, ये वो टाइप ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव है जिसमें जो पे ऑफ्स है, पे ऑफ मतलब जो प्रॉफिट्स आपको, रिटर्न्स आपको मिलने हैं, वो डिपेंड करता है ऑन द चेंजेस टू क्रेडिट स्प्रेड्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, दैट इज यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो वेरियस यूजेस जो डेरिवेटिव्स के हैं, सबसे पहला आता है रिस्क मैनेजमेंट। हर एक इंडिविजुअल, फर्म, कॉर्पोरेट जो अवॉइड करना चाहती है रिस्क को और अनसर्टेनिटीज को, तो वो रिस्क मैनेज करना चाहती है। इसका मतलब तो सिस्टमेटिक प्रोसेस है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपका रिस्क लेवल क्या है, एक्चुअल रिस्क लेवल क्या है, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने हेजिंग करनी है, आर्बिट्रेशन करनी है या स्पेक्युलेशन करनी है। तो जो डेरिवेटिव्स हैं वो आपको हेल्पफुल टूल प्रोवाइड करवाता है हेजिंग के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए और स्पेक्युलेशन के लिए। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट। डेरिवेटिव्स हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। आपका जो एक्सपोजर है टू लॉस जो अराइज हो रहा है फ्रॉम द वेरिएशन इन द कॉस्ट ऑफ फंडामेंटल एसेट, वो इसे कम करता है। नेक्स्ट है बूस्टिंग द लेवल ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। जो डेरिवेटिव्स है वो अलाउ करते हैं बिजनेसेस को कि वो मैनेज कर सकें इफेक्टिवली अपना रिस्क एक्सपोजर उन रिस्क के ऊपर जिनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, और उस चीज़ को, रिस्क को जब आप कम कर रहे हो, आप मैनेज कर रहे हो उसे मैनेज आप डेरिवेटिव्स के थ्रू कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका इन्हांसेस लिक्विडिटी। डेरिवेटिव प्रोवाइड करवाते हैं बेनिफिट लिक्विडिटी का इन्वेस्टर्स को, और क्योंकि कैसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं, आपको मैच्योरिटी पीरियड तक जो डेरिवेटिव है उसकी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो बिफोर मैच्योरिटी पीरियड आप जो डेरिवेटिव है उसको बाय और सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स। जो डिमांड एंड सप्लाई डेरिवेटिव्स की हो रही है, जो वैल्यू डेरिवेटिव्स की मार्केट में चल रही है, उसके बेसिस पर ही एक्चुअल में जो अंडरलाइंग एसेट है फ्यूचर में उसका प्राइस क्या प्रिवेल करेगा वो डिसाइड होता है। तो ये इंडिकेट करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स अंडरलाइंग एसेट्स का स्टॉक मार्केट में। देन नेक्स्ट स्वीटनर। जो डेरिवेटिव्स है वो वर्क करते हैं एज अ स्वीटनर्स टू दी न्यू इन्वेस्टर। स्वीटनेस इन द सेंस कि आपको एक एडेड एडवांटेज मिल रही है, आपकी जो चांसेस हैं लॉसेस के वो उन्हें कम कर देते हैं क्योंकि लिक्विडिटी हाई है। देन एसेट एलोकेशन एंड यील्ड एनहांसमेंट। वेरियस जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इक्विटीज, बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो अपने एलोकेट कर सके फंड्स इन एसेट्स में और अपनी जो रिटर्न है उसे इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, दैट इज शॉर्टकमिंग्स क्या है डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स के बेनिफिट्स तो हैं इन्वेस्टर्स को, लेकिन बहुत शॉर्टकमिंग्स भी हैं इसकी। वो क्या है? सबसे पहला है लिवरेज। लिवरेज एक डबल एक्ट स्वॉर्ड है। जो इन्वेस्टर है अगर मतलब जो आपने स्पेक्यूलेट किया, आपने स्पेक्यूलेट किया इंक्रीज, लेकिन अगर डिक्रीज हो गया तो उतना ही लॉस आपको होगा।
तो जो इन्वेस्टर है जिसके पास राइट चांसेस अगर उसे नहीं मिलते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का उसे लॉस भी हो सकता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो टाइम स्पेसिफिक होते हैं और ऑन द मेच्योरिटी डेट आपको अगर कैश मार्केट में या जो रेडी डिलीवरी है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको होल्ड करने में प्रॉफिट है या फिर सेल करने में प्रॉफिट है। देन नेक्स्ट इज़ योर स्पेकुलेटिव नेचर। डेरिवेटिव्स जो है बूस्ट करते हैं स्पेकुलेशन को, और मेनली मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो स्पेकुलेशन के लिए ही होती है डेरिवेटिव्स में। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजेस रिस्क। डेरिवेटिव्स हाईली रिस्की होते हैं और कई टाइप के डेरिवेटिव्स तो ओवर द काउंटर और प्राइवेटली नेगोशिएटेड हैं, तो स्टैंडर्डाइज नहीं है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज रेगुलेटरी मेजर्स। जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग पे वो बहुत ज़्यादा हैं, तो जो कॉस्ट है डेरिवेटिव्स की वो इंक्रीज़ हो जाती है और इनकी अट्रैक्टिवनेस डेरिवेटिव्स की डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इज़ प्राइस इंस्टेबिलिटी। दो ये सोचा जाता है कि प्राइस स्टेबिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ वेल रेगुलेटेड मार्केट में हेल्प करता है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि स्पेक्यूलेटिव नेचर है डेरिवेटिव्स का, जिसकी वजह से वाइड फ्लक्चुएशंस होती हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है डेरिवेटिव्स, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डेरिवेटिव्स की इम्प्लीमेंट करना सिर्फ एक एक्सपर्ट के लिए ही पॉसिबल है, तो एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उसके लिए डिफ़िकल्ट है डेरिवेटिव्स को यूज़ करना। इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर है वो कम्प्लीट होता है। इस चैप्टर से आप डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स, एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स ऑप्शन जो डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, वारंट्स एंड ऑप्शंस, व्हाट आर डेरिवेटिव्स, एक्सप्लेन द यूजेस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर्स के, और इस चैप्टर से आप डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का चैप्टर, जो आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यहाँ पे पढ़ा, डिफरेंसेस पढ़ा, वो वाले जो टॉपिक्स हैं उस चैप्टर में आप रिपीटेड आपके पास अवेलेबल होंगे, और एक दो नए टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा अवेलेबल होंगे। तो यहाँ से आप इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस समझ सकते हैं कि अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो चैप्टर है उसका आधा आधा पार्ट आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, तो इस चैप्टर से आप एक से दो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ये जो लेक्चर है हमारा फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।